हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कृतिका शानवी क्राफ्ट एंड कुकिंग बाय अर्चना। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी केक की रेसिपी, जो कि बनाना काफ़ी आसान है। ये बहुत ही आसानी से केक बन जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्पंजी बना है। अगर आप इस ट्रिक के साथ केक बनाएंगे तो आपका केक कभी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर। गैस ऑन करके सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें एक स्टैंड डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी कटोरा यूज कर सकते हैं। और इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। जब तक कढ़ाई गर्म होती है हम केक टिन रेडी कर लेते हैं। तो केक टिन बनाने के लिए मैंने इस तरह का एल्युमिनियम का बर्तन यूज किया है, आप इसकी जगह केक टिन भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसे ग्रीस कर लेंगे। तो ग्रीस करने के लिए मैंने यहाँ कुकिंग ऑयल लिया है और इसे अब ब्रश की सहायता से चारों तरफ अच्छी तरह से तेल लगाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तेल लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे। पूरे बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा मैदा बच जाएगा लास्ट में हम उसे रिमूव कर देंगे, अलग निकाल लेंगे। और हमारा केक टिन यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम बैटर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ मैंने दूध एक कप लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे है। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद आप इसमें ऐड करें। इसमें डाल देंगे एक चम्मच वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है एक चम्मच वेनीगर। वेनीगर की जगह आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं या फिर दही यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे एक कप चीनी पाउडर शुगर। नॉर्मल चीनी को ही मैंने पीस कर रेडी कर लिया था और अब हम एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे बीट नहीं करना है। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो यहाँ मैंने दो कप के करीब मैदा लिया है। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 कप बेकिंग सोडा। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बट केक का टेस्ट इससे अच्छा आता है। तो अब इन सबको मैं एक बार अच्छी तरह से छान लूँगी। इसे मैंने छान कर रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे बैटर में डायरेक्ट एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ आधा मैदा इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे बैटर को एक ही डायरेक्शन में आराम से घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे बीट नहीं करना है। अब बचे हुए सूखे मैदे को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है बट ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा है। तो मैं यहाँ दूध ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1/4 कप दूध लिया था और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है अभी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा दूध भी हमारा बच गया है। तो बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है बट मैं इसे अभी दो भाग में डिवाइड करूँगी। अभी केक टिन में मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे दो भाग में डिवाइड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ बैटर को दो भागों में बांट लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब कोको पाउडर ताकि केक का कलर थोड़ा सा चॉकलेटी हो जाए और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है केक टिन में डालने के लिए। तो केक टिन मैंने यहाँ ले लिया है और सारे बैटर को मैं एक बार नहीं डालूंगी। यहाँ मैंने सबसे पहले ब्राउन बैटर डाला है थोड़ा सा, इसके साथ ही इसमें डालेंगे अब हम वाइट बैटर। ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर में हम इसे डालेंगे, एक बार वाइट और एक बार ब्राउन। इस तरह से डालकर हम सारे बैटर का यूज़ करेंगे और एक एक करके डालते जाएंगे, वाइट और ब्राउन, वाइट एंड ब्राउन करके डालेंगे और केक के बैटर को यूज़ कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारे बैटर को यूज़ कर लिया है थोड़ा थोड़ा डालकर और बस इसे सेंटर में डालते जाना है।
अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे एक बार टैप कर लेंगे अच्छी तरह से। टैप करने के बाद मैं एक टूथपिक ले रही हूँ और इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और करने के बाद हम टूथपिक को साफ़ कर लेंगे। अगेन हम एक बार ऊपर एक बार नीचे करेंगे और टूथपिक को साफ़ करते जाएंगे, और इस तरह से हम डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेंगे। और हमारा केक का डिज़ाइन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम बेक कर लेते हैं। तो बेक करने के लिए हम इसे स्टैंड के ऊपर रख देंगे और किसी बड़े बर्तन से इसे ढक देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। बीच में आप एक बार इसे 15 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं। और 35 मिनट के बाद हमारा केक आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। टूथपिक में ये चिपक नहीं रहा है, तो हम इसे ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे रिमूव करेंगे। केक रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो अब हम इसे नाइफ की हेल्प से चारों तरफ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद एक प्लेट की हेल्प से हम इसे केक टिन से रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं केक टिन से काफ़ी इजीली रिमूव हो चुका है और हमारा केक काफ़ी स्पंजी बना है। अगर आप इस ट्रिक से केक बनाएंगे तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा और बीच में बैठेगा नहीं, काफ़ी स्पंजी सा केक बनेगा, अच्छा फूलेगा। आप देख सकते हैं, आप ये केक देखिए कितना अच्छा स्पंजी केक बना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।